आज मुझे खेत पे बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं और मैं जमीन पर ही लेट जाता हूँ, क्योंकि जब दोपहर में मेरी माता सिर में लिए खाना लेके आई थी, घर वालों के साथ बैठकर मैंने खाना खाया ही था और मुझे खेत पर ही नींद आने लग जाती है, क्योंकि काम की वजह से रात में सही से सो नहीं पा रहा हूँ। कुछ दिनों से रात में आना पड़ता है खेत पे मोटर चलाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर में मेरी माता सिर आके मुझे उठा देती है, क्योंकि मुझे अभी इली की दवाई छिनकनी है खेत में, इसलिए मेरी माता सिर मेरे लिए पंप लेके आती है और उसमें एक ढक्कन इली का दवाई का कूट देती है। दवाई के बाद पंप को पानी से फुल कर दिया था और मुझे पीठ पे टंगा दिया था। इली की दवाई की बदबू बहुत तेज आती है, इसलिए मैंने मास्क भी लगा लिया था और चल दिया था अपने मिशन इम्पोसिबल पे, लेकिन मुझे पता भी नहीं था ये दवाई मुझे आज बेहोश कर देगी। अभी तक मैंने मसूर के खेत में 6 पंप दवाई छिनक दी थी। जब मैं दवाई छिनक के कंप्लीट हुआ ही था कि मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि गलती से हवा की वजह से दवाई मेरे नाक और कान में चली गई थी, इसलिए चक्कर आने के कारण मैं खेत में लेट जाता हूँ और मुझे खेत पर ही रात हो जाती है। और अभी तो मुझे अपने बहादुर घोड़े को घर पे लेके जाना था, इसलिए बहादुर घोड़े पे घर वालों को बिठा लेता हूँ और घर की ओर चल देता हूँ। बोलिए जय श्री सीताराम।